आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। पीलीभीत पुलिस ने 12 घंटे के भीतर लूट की घटना का बड़ा खुलासा किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिनके पास से लूट की सोने की चेन सहित नकदी भी बरामद हुई है। दरअसल थाना कोतवाली क्षेत्र के निवासी अमन रस्तोगी सराफा व्यापारी का आरोप है कि वह 17 सितंबर की शाम दुकान बंद करके घर लौट रहा था। उसी बीच आकाश मेरेठिया के साथ उसके कुछ दोस्तों ने मेरे साथ मारपीट की और थैला छीनकर भाग गए। थैले में 3 सोने की चेन, 1 मंगलसूत्र सहित 10,000 रुपए थे। घटना की सूचना हमने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं अपनी दुकान जिलो आकाश मेरेठिया जो है जो मेरी दुकान पर एक दिन आए थे, जिन्होंने मुझसे कहा कि सामान मिल जाए, मैंने मना कर दिया था। तो बाद में ये लोग मैं वहाँ से मैं अपनी दुकान से दुकान में मेरे ग्राहक जो भी आते हैं मैं सामान लेके देता हूँ, जो भी ग्राहक मेरे आते हैं दुकानदारों से लेके इन लोग ये लोग वहाँ से चले गए थे। फिर जब मैं दुकान बढ़ा के अपनी दुकान बढ़ा के लवली होटल से पीछे समाजवादी का बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर इन लोगों ने मेरे को रोका, वहाँ मेरे साथ मारापीटी करी। मेरे थैले में चेने की 3 सोने की चैन और मंगलसूत्र की माला है। इन लोगों ने मेरे साथ मेरा दुकान का थैला, चाबी, चार्जर, 10,000 रुपए ये सब मेरे छीन के ले गए। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस को कल सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना की सूचना मिली थी, जिसकी शिकायत के आधार पर सुनगढ़ी पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से लूट का सामान बरामद कर लिया है। को जाते हुए क्योंकि दुकानदार में जो दुकान में घर बन के आया था, उसका नाम है आकाश मेरठिया, उसको पहचानते थे। तो बड़े बात करके कह गए थे कि 3 चैनों को लेना है, बाद में फिर इनको रोक करके इनको रोक पास करें। कोई अपराध अपराध इतिहास किसी कर लिए, उसके अलावा उमर शाह पकड़े गए हैं और आजाद मलिक, इनके भी अपराध इतिहास है, गिर गए। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही थाने में आपराधिक इतिहास के मामले दर्ज हैं। पीलीभीत से ऋषि शर्मा, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।